हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बात करेंगे मांसपेशियों की दर्द, पैर की दर्द, गर्दन की दर्द, कंधे की दर्द और जोड़ों की दर्द, और बहुत सारी महिलाओं को पीठ की दर्द भी होते हैं। तो आज इन सभी दर्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है या इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आप घर पे ही आयुर्वेदिक तेल बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि आप घर पे आयुर्वेदिक तेल कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस तेल को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें। अगर आप इस तेल को बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तेल को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी बॉडी में पेन हो तो इस तेल का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी आराम पहुँचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले तावे को हाई फ्लेम पर गर्म करना है। एक कटोरी में 4 ढक्कन सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने जो ढक्कन लिया है ये 20 ml का है। 20 ml का मतलब हुआ कि 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अगर आप तेल को स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जितनी भी सामग्री है सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन की कली 5 से 6 कटी हुई, 1 चम्मच अजवाइन, 5 लौंग, 1 छोटी सी हींग। इसे हम गर्म करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 ढक्कन सरसों का तेल लिया था, इसे तब तक गर्म करनी है जब तक ये 3 ढक्कन की ना हो जाए। अब ये पीले कलर का तेल दिख रहा है, ये धीरे धीरे कलर चेंज होता जाएगा। बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहें। अब इसे 2 मिनट के बाद ढक देंगे। फिर हम इसे 3 मिनट के बाद चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लहसुन धीरे धीरे पक रहे हैं। इसे अभी और पकानी है। आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। इसे हम कम आंच पे ही पकाएंगे। आपको याद रखना है कि 4 ढक्कन मैंने तेल डाला था तो इसे 3 ढक्कन ही करनी है। तो ये पक चुका है, इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे छान लेंगे और इसे अपने हाथों की हथेलियों से फोर्सफुली मसाज करें, तभी ये आराम होगा। तो अब ये तेल तैयार है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसे गर्म करके हल्का गुनगुना करके उस जगह पे मालिश करें। आपको दिन में 3 बार इसे मालिश करना है और आप इसे किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े इसे यूज करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।